नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तकनीक इंसान के लिए वरदान है या गुलाम, हम सभी बचपन से इस पर बहस करते आए हैं, लेकिन अब तकनीक, खास करके स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया एक पूरी पीढ़ी को अपना गुलाम बनाती जा रही है। आज की पीढ़ी पर सोशल मीडिया हावी है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक उन्होंने साल 1997 से 2012 के बीच पैदा होने वाले युवाओं पर एक रिसर्च किया, जिन्हें जेन जी या जेनरेशन जेड भी कहते हैं। उनकी बातों में, व्यवहार में और सोच में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का दखल साफ दिखता है। युवा पीढ़ी वर्चुअल वर्ल्ड यानी आभासी दुनिया की आदि होती जा रही है। इसमें उनमें चिड़चिड़ाहट, खीज और जल्दी रूठने की आदतें घर कर रही हैं। हमारी युवा पीढ़ी पर अब इसके फायदे कम और साइड इफेक्ट ज्यादा दिखने लगे हैं। इसके मुताबिक 1996 के बाद पैदा हुई पीढ़ी मनोवैज्ञानिक स्तर पर अलग है। जेन जी का साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम कमजोर है, पिछली पीढ़ी के मुकाबले जल्दी खींचते हैं। जेन जी छोटे हादसों, टीजिंग या सामान्य झगड़ों से जल्दी परेशान होते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी युवा पीढ़ी स्मार्टफोन की आदि होते जा रही है। शहरी इलाकों में 5 करोड़ 10 लाख लोगों के पास स्मार्टफोन है। एक साल के अंदर इसमें 89% की बढ़ोतरी हुई है। एक रिसर्च के मुताबिक 16 से 18 साल की उम्र के युवाओं के पास स्मार्टफोन की तादाद पिछले साल के मुकाबले 4 गुना बढ़ी है। भारत स्मार्टफोन का दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता बाजार है। यहाँ टच स्क्रीन, सोशल नेटवर्किंग और चैटिंग की सुविधा वाले ऐसे फोन अब स्टेटस सिंबल बनते जा रहे हैं। यही नहीं, अब तो युवा पीढ़ी के लोग 2-3 मोबाइल फोन्स रखने लगे हैं। अब सवाल ये है कि बच्चों को स्मार्टफोन से कैसे बचाया जाए? क्या युवाओं के दिमाग पर सोशल मीडिया हावी हो रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं साइकोलॉजिस्ट निशा खन्ना और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर बलविंदर कुमार, जो माइंड थेरेपी संस्था के फाउंडर हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो रिसर्च हुई है, चौंकाने वाली है आपके लिए? डज इट सरप्राइज यू? देखिए, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है कि क्योंकि यदि आप देखें तो एक मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो एक किस्म से पेंडेमिक रूप इसने ले लिया है। दूसरी तरफ जो है, जिस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ये जो जनरेशन जेड जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये इंटरनेट जनरेशन है। इन्होंने प्री इंटरनेट पीरियड देखा ही नहीं, और ये ज़्यादातर टाइम, जो स्पेयर टाइम होता था, जो हमारे टाइम पे जो स्पेयर टाइम होता था, वो सोशल एक्टिविटीज़ में, गेम्स में और फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाता था। अब वो टाइम इनका सारा का सारा जो है वो डिजिटल गैजेट के ऊपर निकल रहा है। तो देखा जाए तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती जा रही हैं। एक तरफ डिजिटल ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और इससे हो क्या रहा है कि ये सोशली डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं, अलूफ होते जा रहे हैं, लोनलीनेस हो रही है, और जिसके कारण जो है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो दिन पे दिन इस जनरेशन में बढ़ती जा रही है। हालांकि ये जो इससे बड़ी, इससे जो पहले वाली जनरेशन है, मिलीनियर जनरेशन, उसमें भी वो भी बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में काम कर रही है, बट दिस जनरेशन इज, सिंस इट इज ए इंटरनेट जनरेशन, इसलिए इस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले क्योंकि हम इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सर, तो जिस इसकी फाइंडिंग्स है, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब इंडिया में स्थिति कैसी है आपके हिसाब से, बेहतर या खराब? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो है उस तरीके के सर्वे स्टडीज नहीं हुई है जिस तरीके से यूएस वगैरह में है। यूएस में कई सारी रिपोर्ट, अभी मार्च 2024 में एक रिपोर्ट छपी है, मेंटल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 71 कंट्रीज के 49,000 लोगों का एक सर्वे करके इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है। उसमें इस रिपोर्ट को इन्होंने कॉरोबरेट किया है कि यंग जनरेशन में जो ये डिजिटल ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, ओवर यूज है, प्लस जो ये क्या कहते हैं, फास्ट फूड्स हैं, इनकी वजह से और सोशल डिस्कनेक्ट जो हो रहे हैं, इन तीनों चीजों का
प्रभाव जो है वो मैक्सिमम इस यंग जनरेशन अर्थात जनरेशन जेड पे पड़ रहा है। निशा जी, आज की डेट में ये बड़ी चिंता का विषय है, इसके बारे में लगातार बातें हो रही हैं, क्योंकि ये देश और दुनिया हर जगह लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि आपके घर से लेके बाहर तक ये परेशानी घर करती जा रही है। तो आज इस शो के माध्यम से और आप लोगों के जरिए इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, क्यों ये बढ़ती जा रही है और कैसे इससे कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जैसा भी मैंने बोला, साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है जेन जी का, क्या कहेंगी? देखिए, जैसा हम सबको पता है कि 2009 में फेसबुक ने लाइक बटन इंट्रोड्यूस किया था, और उसके चलते जनरेशंस में खुद को पसंद करना, दूसरे आपको पसंद करें, और उस तरह की जो भावनाएं हैं उनके अंदर आ गई। फिर कंपैरिजन, उसके बाद जैसे हम ट्विटर आज की डेट में एक्स बोलते हैं, इंस्टाग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये सारी चीजें जिसमें हम सोशल कंपैरिजन, अपनी पर्सनल चीजों को, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं कि पोस्ट, और उसके अगर उसी टाइम की बात करें तो हमारे फोन्स आए हैं जिसमें फ्रंट कैमरास इंट्रोड्यूस हुआ, तो फ्रंट कैमरास से हम सेल्फी लेना और आसान हो गया। तो उसकी वजह से जिस जनरेशन की हम स्पेशली जनरेशन की बात कर रहे हैं, जेन जनरेशन की, उस जनरेशन के बच्चों का एक्सपोजर और ज्यादा हो गया। अगर हम पुराने जमाने की बात करें, रिलेशनशिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, घरों में हम घर से बाहर निकलते थे, हम अपने कजन्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ फिजिकली चीजों को प्ले करते थे, हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे। आज की डेट में हम एक फोन कॉल पर, एक मैसेज पर, सामने वाले को, एक व्हाट्सएप पर अवेलेबल है और कॉन्टिन्यूसली टच में है। पहले हर कोई, इनिशियली अगर आप बहुत पहले की बात करें, 20-25 साल पहले, तो हर कोई फोन भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। स्पेशली अगर हम बात करें, सेलुलर फोन भी, उसकी कॉलिंग भी, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स भी काफी कॉस्टली होती थी। तो वक्त के साथ साथ ये चीजें, क्योंकि जितनी इजिली अवेलेबल है, तो बच्चों पर उसका असर तो पड़ ही रहा है, एंड डेफिनेटली इन युवाओं का जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है, वहां पेरेंट्स भी मोबाइल यूज करते हैं, ज्यादातर टाइम वो खुद भी मोबाइल में स्पेंड करते हैं। कि फोन पर बात करके सारी चीजें हो जाती हैं। आप फोन पर बात करने के तो छोड़िए, आजकल आप देखिए घर में चार बच्चे बैठे रहते हैं तो सब अपने अपने फोन पर लगे रहते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, हम साथ में बैठे हैं, पर उस साथ का कोई मतलब नहीं। आपको नहीं लगता कि इससे बच्चों की ग्रोथ और मेंटल वेलबींग पर भी असर पड़ रहा है, और काफी असर पड़ रहा है, और इनफैक्ट फिजिकल भी असर पड़ रहा है? देखिए, वर्चुअल जब वर्ल्ड से हम जुड़े हैं और फिजिकल प्रेजेंस में जब सामने वाला हमारे साथ बैठा है, तो कोई इमोशनल कनेक्ट तो है ही नहीं। हम उस वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड है जिसमें भी हमें पता नहीं है कि आधा सच और आधा झूठ क्या है, क्योंकि हम सामने किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो इमोशनल कनेक्ट बनने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, वो सामने वाला अपने इमोशंस को, हम उसकी नॉन वर्बल वर्बल क्लूज को समझ पाते हैं। बट सोशल मीडिया में जहां तक बहुत सारी चीजें, हम सिर्फ प्रेजेंट करते हैं, हम एक्चुअल में क्या फील करते हैं वो शायद सोशल मीडिया में बहुत कम होता है कि लोग प्रेजेंट कर पाते हैं, या अगर वो बहुत ज्यादा ओवरली एक्सप्रेस हो जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली मेंटल हेल्थ पर तो इम्पैक्ट करते ही हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस जैसे जो सिम्टम्स हैं, और मूड स्विंग्स जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि एक ही सेकंड में बहुत सारी स्क्रीन्स का आपकी आंखों के आगे से जाना और उसका आपके ब्रेन में कितना रजिस्टर होना, अपने आप में ही एक सेकेंड ऑफ ब्लिंकिंग ऑफ आई में आप कितनी ही चीजों को, कितने ही कलर्स को देख पाते हैं, कितनी ही इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कर पाते हैं, और किसी एक इन्फॉर्मेशन पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एक के बाद आप एक दूसरी इन्फॉर्मेशन पर चले जाते हैं उतनी ही तेजी से। तो कहीं ना कहीं इसका असर तो डेफिनेटली ह्यूमन माइंड पर, बच्चों के माइंड पर, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उनके दिमाग पर तो पड़ता ही पड़ता है, और दिमाग पर असर पड़ रहा है तो हमारी मेंटल हेल्थ पर तो असर होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी और हम वर्चुअल वर्ल्ड से जुड़े रहेंगे। सर, जैसे आप क्योंकि लगातार मेंटल हेल्थ पर काम करते आए हैं, ये इट्स लाइक ब्रेन को हैक कर लेता है ये, और लगातार वो जो प्लेजर एक्टिवेशन होता है उससे आदमी दूर नहीं जाना चाहता है। अगर हम देखें तो हमारी युवा पीढ़ी हर वो काम करना चाहती है जो हमें खुशी देती है, और इससे बेहतर क्या जरिया हो सकता है? देखिए, ये बात अभी मैडम ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि ये जैसे ही ये सोशल सिस्टम में, सोशल मीडिया में जो लाइक्स, डिसलाइक, रीवैलिडेशन, कि हम सब अपने आप को वैलिडेट, मतलब रीवैलिडेट करना चाहते हैं,
ये चीजें बड़ी, मुझे लगता है कि आज के दिन ये बड़ी नॉर्मल है। यदि हम ये कहें कि बच्चों को हम जो है रेगुलेट करें डिजिटल स्क्रीन की, कितना उनको देखना चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये पॉसिबल जो है वो नहीं है। हमें, जैसा अभी मैडम ने भी बताया कि वो जो बड़ी जनरेशन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, वो खुद 5 5 6 6 घंटे यदि मोबाइल पे बैठे हैं हुए हैं, तो उनकी कोई बहुत ज्यादा मॉरल अथॉरिटी नहीं है बच्चे को ये कहें कि भाई तुम हर टाइम मोबाइल पे बैठे रहते हो और तुम्हें स्टडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है जो इस नए मतलब वर्ल्ड में, इमर्जिंग वर्ल्ड में ये हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से AI, ChatGPT, नई जनरेशन के जो AI टूल्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम और एग्रावेट होगी। अब हमारे सामने जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे हम बच्चों के साथ जुड़ के इस जो जो ये इनविजिबल जो ये पेंडेमिक टाइप है, इसको हम रोके। हमें जनरेशन को तैयार करना पड़ेगा कि वो स्ट्रेस को, एंजाइटी को कैसे हैंडल करे। आई थिंक हमारा फोकस इस बात पर ज्यादा होना चाहिए कि बजाय हम जो है अब बात करें कि आप डिजिटली जो है वो ज्यादा ना बैठे। मुझे लगता है ये बड़ा डिफिकल्ट है बच्चों को कन्विंस करना कि वो, यदि आप चलिए घर पे कम यूज करेगा मोबाइल, बट जब वो बाहर जा रहा है स्कूल में कॉलेज में, वहां मोबाइल यूज कर रहे हैं। बिल्कुल निशा जी, प्रॉब्लम ये है, खास करके जब दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हों, तो सबसे आसान तरीका होता है बच्चों को फ़ोन दे देना, उनको एंगेज रखने का। फ़ोन से बेहतर तो कोई और तरीका होता नहीं है। और कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो सबसे ईजिएस्ट तरीका आपको यही दिखता है, और फ़ोन अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्फिडेंट हो जाता है आपका, सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल दोस्त बन जाता है। देखिए, बहुत सारी फैमिलीज हैं वो जो घर में रूल्स बनाती हैं कि डिनर के टाइम नहीं, पर और फोन देखिए नहीं ये होगा वो तो जगह ये होती है, हर कोई तो होगा। आपको कुछ बोलता है, लेकिन ये वो जगह होती है जहां से आपको वैलिडेशन मिलता है, दोस्त भी मिलता है और टाइम भी आपका कटता है। देखिए, सोशल मीडिया में यूसेज, उसके फायदे हैं उसके नुकसान भी हैं, बट हम आप उसको कितना यूज करते हैं और किस लेवल पर यूज करते हैं वो एक मेजर रोल प्ले करता है। और आप उसको अपने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 2020 से, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस कोविड के दौरान शुरू हुई, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा एक बूम और चेंज आया है, जिसका जिससे बच्चों को हेल्प भी हुआ है डेफिनेटली। आज अगर बहुत सारे स्कूल्स में होमवर्क भी व्हाट्सएप पर ही भेजे जाते हैं, पेरेंट्स टीचर्स के साथ कनेक्ट भी सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये मानेंगे कि हमारा एक कल्चरल चेंज काफी बड़े लेवल पर आया है। और उस बड़े लेवल में मैं फिर वही कहूंगी, पेरेंट्स आर समवेयर द आइडल टू द किड्स। अगर आप अपने फोन को 10 घंटे से 15 घंटे यूज कर रहे हैं तो बच्चा भी आपसे ही सीखेगा। और जो आपने बात की है, हम सबने देखा है, अपने घरों में देखा है, अपने आसपास में देखा है, पेरेंट्स खुद ही बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं कि ओके मैं कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तुम फोन पे मूवी देख लो, तुम फोन में टीवी वॉच कर लो, तुम गेम खेल लो और हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। वही कह रही हूँ कि पुराने हम बच्चों को कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाते थे, उन्हें कलरिंग देते थे, पेंट करने के लिए बोलते थे, उन्हें कुछ पर्टिकुलर तरह के ऑब्जेक्ट्स देते थे, क्ले के साथ खेलना अलाउड होता था, तो बहुत सारी चीजें बच्चे खुद करते थे, कुछ एक्टिविटीज करते थे। बट आज की डेट में आई डोंट नो, बहुत सार पहले की हम बात करते तो हम लोग बसेस में स्कूल जाते थे, अपने आप स्कूल जाते थे और अपने आप स्कूल वापस आते थे। आजकल पेरेंट्स खुद बच्चों को ड्रॉप करने जाते हैं, खुद बच्चों को लेने जाते हैं, उनको इंडिपेंडेंट तो होने ही नहीं दे रहे, तो डिपेंडेंसी यहाँ पर भी पेरेंट्स की है क्योंकि दिस इज द ओनली वे वी कैन स्पेंड टाइम विद अवर किड्स। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए। क्वालिटी ऑफ टाइम और क्वांटिटी ऑफ टाइम में फर्क है। आप बच्चे के साथ 1 घंटा बिताइए, बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसे उस मुद्दों पर बात करिए, उसे सही और गलत का डिफरेंस लॉजिक के साथ समझाइए, इन स्पाइट ऑफ आप उन पर चीजों को थोपे। आप बच्चों के साथ 6 घंटे मत स्पेंड करिए, बच्चों को उनको काम दीजिए, कुछ चीजें समझाएं और देन उनको इंडिपेंडेंट छोड़े और देखिए वो कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर पेरेंट्स हर वक्त बच्चों का उंगली पकड़कर
हाथ पकड़कर चलाएंगे तो बच्चा डिपेंडेंट ही होगा, इंडिपेंडेंट कभी नहीं हो पाएगा। तो वो बच्चे आजकल पेरेंट्स पर ना डिपेंडेंट होकर सोशल मीडिया या मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। रही बात जो सर ने कहा है कि ये ऐसा दौर है जिसपे हम बच्चों को रोक नहीं सकते, देखिए मैं फिर वही कहूंगी, अगर बच्चे, ये बहुत नॉर्मल होता है जो मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, मेरे पेरेंट्स पर्टिकुलर सब्जी नहीं खाते हैं, मेरे पेरेंट्स पर्टिकुलर मोबाइल को घंटों यूज करते हैं, मेरी मदर इंस्टाग्राम यूज करती है, रील्स बनाती है, तो मैं क्यों नहीं। तो इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है आजकल, छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंसर्स बनना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगता है दिस इज द इजी वे ऑफ मेकिंग मनी, आई कैन डांस एंड द पेरेंट्स प्राउडली सेल। सबसे बड़ी बात है निशा जी, लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व भी करते हैं, उनकी रील्स बनाते हैं, उसको डालते हैं, फिर उनको भी बताते हैं कि इतनी लाइक्स आ रही हैं और इतने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपने दो बहुत ही अच्छी बातें कही कि हर चीज़ के फायदे नुकसान हैं, तो माइंडलेस फोन यूज़र से हमको माइंडफुल फोन यूज़र बनना है। और दूसरी बात है कि बच्चों को क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं क्वालिटी ऑफ टाइम चाहिए। लेकिन सर जैसे कि आप फिर वही, क्योंकि आप इस पर लगातार काम करते आए हैं, तो जब पूरी दुनिया वायर्ड है पूरी तरह से, तो ऐसे में माँ बाप कैसे बच्चों को इससे बचाएं? नहीं, अल्टीमेटली देखिए ड्यूटी, अब यदि आप, ये तो हमने चलिए एक बात की कि ये डिजिटल ऑब्सेशन हो रहा है, इसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं कुछ हद तक, मतलब जो स्टडीज सामने आ रही हैं। बट दूसरी तरफ ये देखें तो इट इज़ ए हाइपर कंपटिटिव वर्ल्ड। अब यदि इंडिया में ही बात करें तो कई कई लाख लोग, 7 लाख लोग जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम में बैठते हैं 2-3 हज़ार पोस्ट के लिए, तो हाइपर कंपटिटिव वर्ल्ड है। सोशल एक्सपेक्टेशन और बच्चे की अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ती जा रही हैं, तो देखा जाए तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। डिजिटल जो है वो एस्पेक्ट एक है बड़ा, मतलब इंटीग्रल प्रॉब्लम है ये हमारी, बट ये दिस इज नॉट द प्रॉब्लम अलोन वी दिस जनरेशन इज फेसिंग। तो ये कई, अब यदि आप इंडिया में यदि बात करें तो 12,500 सुसाइड एक साल के अंदर हो रहे हैं, मींस एक दिन में 28 सुसाइड्स हो रहे हैं। वहाँ ये प्रॉब्लम इन बच्चों की जो है वो यही है कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन उनके पेरेंट्स की है, उनकी अपनी है, तो इस तरीके से। बट यहाँ प्राइमरी ड्यूटी जो है वो स्कूल कॉलेजेस, आई मीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, और साथ में पेरेंट्स की है कि पेरेंट्स जो है वो एज ए रोल मॉडल बच्चों के सामने जो है इस तरीके से पेश आए जिससे कि बच्चा, आपको नहीं लगता कि बात सिर्फ इतने तक नहीं है? क्योंकि जैसे निशा जी ने बोला कि आजकल, पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि 5th 6th में पढ़ने वाले बच्चे के पास अपना फोन होगा, आजकल आपकी मजबूरी हो गई क्योंकि स्कूल का होमवर्क भी फोन पर आता है और सारी चीजें जो भी कॉन्वर्सेशन होता है वो फोन पर, आपको फोन देना ही पड़ेगा। अगर दोनों माँ बाप वर्किंग है तो घर में बच्चा रह रहा है तो आपको देना ही पड़ेगा। बच्चे जो है स्वभाव से जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती क्या है जानने की, और आजकल एक्सपोजर की जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई कमी नहीं है। स्मार्टफोन वो यूज़ कर रहे हैं उसके बाद तो उनके पास उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो उन्हें, वो हर चीज़ देती है जो कि वो चाहते हैं, वो जो प्लेजर हम कह रहे हैं वो उनको मिलता है, तो उसमें क्या करें? तो क्या वाकई स्कूल कॉलेजेस की भी वो जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा हमें बाध्य ना करें कि हमें अपने बच्चों को फ़ोन देना पड़े उस उम्र में? एग्जैक्टली ये बहुत कॉन्शियसली एफर्ट करनी पड़ेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी और पेरेंट्स पेरेंट्स को भी, और दूसरा गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज इस तरीके से फ्रेम की जाए कि जिसमें जो है जो ओवर यूज हो रहा है, एक तो पहले रिकॉग्नाइज करे, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज करे, पेरेंट्स भी इस चीज को रिकॉग्नाइज करें कि ये चीजें हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं, और इसमें हम कुछ बहुत ज्यादा इस चीज को, इस ट्रेंड को रोक नहीं पाएंगे। बट अभी भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इनको बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो है इनको लेसन्स जो है पढ़ाए जा सकते हैं, इनको बताया जा सकता है कि माइंडफुल बिहेवियर, माइंडफुल यूज ऑफ डिजिटल गजट्स कैसे इंश्योर किया जाए। तो ये माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और क्या कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ स्क्रीन टाइम, ये चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, पेरेंट्स भी सिखाएं, साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी सिखाएं।
निशा जी, आप कितनी सहमत हैं? क्योंकि बात सिर्फ पेरेंट्स तक अब नहीं रह गई है, आप घर में बच्चे को फोन नहीं दिखा रही हैं, लेकिन मैंने कई जगह अपने पर्सनली खुद देखा है कि बच्चा नीचे जाता है, सारे बच्चे वो आईपैड लेकर आते हैं, तो वो भी आके जिद करता है कि मुझे भी चाहिए, मैं भी जाके नीचे गेम खेलूंगा। तो इसका मतलब अब जैसा सर ने बोला कि अब ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, अब हमें इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा, और ये एक लेवल पे खत्म नहीं होती है, हमें सिस्टमेटिक ढंग से इसको खत्म करना पड़ेगा या इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए मेंटल फटीग, बच्चे इतनी जल्दी थक जाते हैं, कंसंट्रेशन पावर कम हो रहा है इससे, अटेंशन कम हो रहा है इससे, तो ये बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो अब हमें इसको एड्रेस करने की जरूरत है। देखिए जैसा कि है कि अब चीजों को डील करने का मौका आ गया, और डील करने का तरीका ही है कि बच्चों को बैठकर समझाया जाए, उन्हें उनके साथ इन टॉपिक्स पर लेकर कॉन्वर्जेशन की जाए, किस चीज को कितना यूज कितनी क्वांटिटी में करना है। ये वही बात हो गई कि बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो उसका एक्सपोजर ड्रिंक्स से होता है, अल्कोहल से होता है, ड्रग्स से होता है, तो पेरेंट्स बच्चों को बैठकर समझाते हैं और उन मुद्दों पर बात करते हैं। जब आप एक जिसे बोलते हैं पुबर्टी के टाइम पर जाते हैं तो आपका एक ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटरेक्शन होता है, पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठे हैं, उन टॉपिक्स पर खुला कन्वर्सेशन करते हैं, और यही वो टाइम है। अब अगर पेरेंट बच्चों में ये ट्रेट्स आ रहे हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों के साथ बैठे, उनके साथ खुलकर इन टॉपिक्स पर बात करें, इसके फायदे और नुकसान समझाएं, और खुद भी एक डेफिनेटली गुड रोल मॉडल बने। डेफिनेटली स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है, इवन कॉलेजेस में भी क्लास के दौरान अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देखिए हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, घर में अगर आप बड़े हैं और घर में अगर आप छोटे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए चीजों को हम कैसे कर सकते हैं, और एक फैमिली एज ए यूनिट एक ज्वाइंट डिसीजन लीजिए। क्योंकि कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं जो खुद ही एक ज्वाइंट डिसीजन पर नहीं होते कि बच्चे को मोबाइल फोन लेकर देना है या नहीं देना है, वो मदर का मोबाइल फोन यूज करेंगे या नहीं यूज करेंगे, तो इन चीजों पर भी इनडिसीजिवनेस होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरेंटिंग के मेथड से डिफरेंट होते हैं। और फिर मैं एक ही बात करूंगी कि टाइम बाउंड किया जा सकता है चीजों को, कि आप कितना समय फोन पर और कितनी देर के लिए यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम रोक नहीं सकते हैं, हम उनके सामने खुद भी एक आइडल बन सकते हैं। अगर हम आइडल बनेंगे, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर हेरिडिटी अगर कोई ड्रिंक्स कर रहे हैं पेरेंट्स, तो बच्चे में ड्रिंक की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर वो कंट्रोल्ड क्वांटिटी में कर रहे हो, तो हो सकता है आगे चलकर बच्चे या फैमिली के मेंबर्स कंट्रोल्ड क्वांटिटी में ड्रिंकिंग भी ना करें। सेम वे में अगर आप मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, तो पहले आप खुद अपना कंट्रोल्ड क्वांटिटी में उस मोबाइल के यूसेज को बढ़ाइए, और बच्चों के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होइए, उनके साथ कम्युनिकेट करिए, बात करिए, उनके पास साथ फिजिकल गेम्स खेलिए, उनके साथ इंडोर और आउटडोर गेम्स खेलिए, उनके साथ गेट टुगेदर्स करिए। बच्चों के साथ इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम किसी के पास नहीं रह गया, जो थोड़ा वक्त बचता है तो आदमी चाहता है कि उसमें क्वालिटी टाइम शायद यही होता है कि बच्चों के साथ कोई झगड़े नहीं हो, उनके साथ आप प्यार से बैठ पाएं, तो वो सामंजस्य बनाना इसलिए ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और बच्चों की भी एक कंप्लेन रहती है कि जब आप रहते ही नहीं हो तो मेरे पास फ़ोन है, मैं उसमें अपना टाइम काट लेता हूं या काट लेती हूं, तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है, इसका सामंजस्य बनाना एक बड़ा मुश्किल काम हो गया है। देखिए इमोशनल चीजों की जब बात करते हैं, तो उसमें रिजेक्शन सिखाना भी बच्चों को हम पेरेंट्स का ही फर्ज है, क्योंकि पेरेंट्स, मैं फिर वही कहूंगी, अगर हम पेरेंट्स जिम्मेदारी नहीं लेंगे, यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, दैट डजंट मैटर। आप बच्चे के साथ अगर एक घंटा दिन में गुजार रहे हैं और उस एक घंटे के साथ बच्चे के साथ आप अपना इमोशनल बता रहे हैं, उसकी पसंद और नापसंद क्या है, उसका पसंद अगर फोन पे टाइम स्पेंड करना है, तो क्या हम ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज नहीं कर सकते या उन चीजों में बच्चे को नहीं लगा सकते जिससे वो फोन से हटकर टाइम स्पेंड करे। ये हमें एज ए पेरेंट्स भी करना होगा। अगर आज की जनरेशन में अगर पेरेंट्स बोलते हैं हमारा बच्चा हमें फेसबुक पर हमें ज्वाइन नहीं करता है या हमें इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट नहीं करता, आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट, यंग जनरेशन हैव टू अकाउंट्स, एक अकाउंट्स में उनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं और एक अकाउंट्स में उनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें उनके फैमिली मेंबर्स उनकी परमिशन के बिना नहीं ऐड हो सकते। तो अब देखिए बच्चे अगर स्मार्ट है तो पेरेंट्स को थोड़ा सा और स्मार्ट होना पड़ेगा, क्योंकि जनरेशन स्मार्ट है तो हमें और स्मार्ट होकर, पेरेंट्स को और स्मार्ट होकर डेफिनेटली हम अगेन अगर हम बच्चों पर नजर रखना चाहते हैं वो किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उन्हें उनके प्राइवेट मैसेजेस में ये नहीं बोलूंगी कि पेरेंट्स पढ़ें, बट डेफिनेटली उनको सही और गलत की जिम्मेदारी सिखाना पेरेंट्स का काम है। ये कैनवस है, कैनवस के अंदर पेंटिंग करेंगे इसके फायदे हैं, और उस कैनवस के बाहर पेंटिंग करेंगे तो उसके अपने नुकसान है।
अगर पेरेंट्स ही ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। सर आपने एक पोस्ट डाली थी फोमो पर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, आजकल ये एक बड़ी समस्या हो गई है, नोटिफिकेशन एनजाइटी, पूरी टाइम ऐसा लगता है कि बस एक जैसे रिंग हुई तब तुरंत हमें फोन अपना चेक करना, अगर हम नहीं चेक कर पाए तो बस ऐसा लगता है जैसे कि बहुत बड़ी कुछ हम चीज मिस कर रहे हैं। यदि आप इसकी न्यूरो साइंस पे जाएं कि क्यों हम डिजिटल, क्यों हम एडिक्ट होते जा रहे हैं, तो ये फोमो इफेक्ट और एक डोपामाइन जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया कि लाइक्स जब मिलते हैं तो किक मिलती है, तो ये प्लेजर हार्मोन है। तो देखा जाए तो ये इसी के अराउंड जो है ये हम लोग जो है वो एडिक्ट होते जा रहे हैं। दूसरा, ये जो जो ये टेक जायंट्स हैं, ये बहुत पावरफुल एआई टूल्स इनके बनते जा रहे हैं। वो इतने पावरफुल होते जा रहे हैं कि आप कुछ भी करते रहे, ये आपको आपकी अटेंशन को सीक करेंगे बिल्कुल और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है आपको अब इसमें बिताना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है कि अब हम बहुत बुरी तरीके से इसमें फंस गए हैं। हाँ, आप क्योंकि बात फेसबुक, क्या करेंगे, अगर हम खुद बैठ जाते हैं और आपने अगर स्क्रॉल करना शुरू किया तो कितने घंटे ऐसे ही कट जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है। ये है। बट मैं एक ये बात जरूर बोलूंगा कि ये जो नई जनरेशन है ये बहुत ज्यादा अवेयर भी होती जा रही है। अब ये जो जनरेशन है, अभी हाल में एक सर्वे हुआ जिसमें 80% बच्चों ने जो है ये कहा कि यस उनको ये प्रॉब्लम है और वो दे आर ओपन फॉर डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म एज वेल एज टू सीक काउंसलिंग, मतलब वो काउंसलिंग के लिए, थेरेपी के लिए अवेयर होते जा रहे हैं। तो यदि हम देखें कि ये सारे के इसके पीछे जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी हो रहा है कि बच्चे जो है उनके पेरेंट्स अवेयर होते जा रहे हैं, अब वो जो है काउंसलिंग थेरेपी ले रहे हैं और मोर ओवर अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इस चीज की अवेयरनेस है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है अब वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के सामने ज्यादा मोबाइल ना यूज करें, इससे बच्चों पे भी मुझे लगता है कि समहाउ ये बैलेंस आएगा कि कहीं ना कहीं जो है लोग अवेयर होंगे और ये जो ट्रेंड चल रहा है ये कहीं ना कहीं रुकेगा। बिल्कुल। तो निशा जी, स्मार्टफोन की वजह से हर शख्स दो जिंदगियां जीने लगा है, एक रियल और एक वर्चुअल, और इतना अकेलापन बढ़ता जा रहा है कि इसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। देखिए, जैसा आपने बोला है कि अकेलापन बढ़ता जा रहा है, मैं फिर वही कहूंगी, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड्स में बाहर निकलेंगे और कुछ एक्टिविटीज करेंगे, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की फॉर्म में हो, चाहे वो योगा की फॉर्म में हो, चाहे वो वॉक की फॉर्म में हो, और आप से फिजिकल वर्ल्ड में लोगों से मिलेंगे, अपने सोशल कनेक्ट्स जो है वो फोन पर छोड़ के फिजिकल मीटिंग से बनाएंगे, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मुझे अभी वर्चुअल भी लगता का है कि बिल्कुल वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर जब तक हम निकलेंगे नहीं तो रिश्ते बनेंगे नहीं। और अगेन आई डोंट नो, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे नहीं पता, बट मैं अपनी लाइफ में ये फॉलो करती हूँ कि जब मैं किसी से मिलती हूँ, अगर मैं मिल रही हूँ तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन उसके साथ बात करने में हो, ना कि फोन में हो। मतलब आई वुड से पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम सरप्राइज दैट आई डोंट नॉट आंसर द कॉल्स, आई विल से आई नॉट टेक माई फोन, मोबाइल फोन इन वॉशरूम। मतलब इतना तक हो गया है। और अगर पेरेंट्स ये करते हैं, और बहुत सारे कर वो लोग पा ये रही मुझे हैं, बोलते बहुत हैं, सारी जगह पे आप जाइए, आपको खुद लगता है कि आप सामने वाले से मिलने आए और सामने वाला अपने फोन में लगा हुआ है, वो लगातार अपना फोन स्क्रॉल कर रहा है, तो आपको खुद समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए क्यों हैं। तो ये जो आप बोल रहे हो ये बहुत नॉर्मल है। अभी मैं लास्ट संडे ही अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग कर रही थी, तो हमें चार लोग बैठे थे, उसमें तीनों फोन लोग जो है वो अपने फोन पर लगे हुए थे। तो ये बहुत, इवन आप फिजिकल प्रेजेंस पर होकर भी आप अपने फोन के वर्चुअल वर्ल्ड में ही इन्वॉल्व हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमें कनेक्ट बनाना है तो वो इमोशनल कनेक्ट आपस में बात करके बनेगा, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई बताकर बनेगा, और साथ ही साथ जैसे बोलते हैं कुछ चीजों पे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने पर बनेगा। हमें अपने साथ सामने वाले के साथ कुछ, चाहे वो मजाक के फॉर्म में हो, चाहे वो गुस्से की फॉर्म में हो, जब आपने बोला कि बच्चे नाराज ना हो, उनके साथ पॉजिटिव मोमेंट स्पेंड करना,
आई थिंक सो पॉजिटिव मोमेंट स्पेंड करना नहीं है। अगर बच्चे नाराज होते हैं तो उन्हें सही या गलत का फर्क समझाना भी पेरेंट्स का काम है। इन स्पाइट ऑफ थिंकिंग दैट कि हमारा सिर्फ टाइम पॉजिटिव हो, तो हम पेरेंट्स फिर बच्चों को रिजेक्शन समझा ही नहीं पाएंगे, बच्चों को ना बोलना सिखा ही नहीं पाएंगे। और वो तब होता है जब हम बच्चों के साथ बैठकर बात करेंगे और जहां डिसएग्रीमेंट होगा, और डिसएग्रीमेंट पर आपका बच्चा कैसे रिएक्ट करता है या आप कैसे रिएक्ट करते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं, तभी से हमें रिजिलियंस पावर आती है किसी भी सेटबैक से उभरने की। और वो तभी आ सकती है जब इन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। और बच्चों को हग करना, फोन मेडिटेशन क्या है एंड इज इट हेल्पफुल? मैम आई वुड से आई विल नॉट लाइक टू कमेंट फोन मेडिटेशन क्या होता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो लोग ये यूज करते हैं ये उनको इसके बारे में ज्यादा पता होगा। मैं इस टॉपिक पर बोलूंगी कि सर इसके बारे में अगर ज्यादा बता पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आई डोंट कोरिलेट विद दिस टर्म इवन फोन मेडिटेशन जो आप कह रहे हैं। आई थिंक इसको माइंडफुल आप कह सकते हो कि माइंडफुल बिहेवियर आपका होना चाहिए मोबाइल के लिए। माइंडफुल मीन्स कि यू आर अवेयर कि आप जो है फोन पे ज्यादा टाइम बिता रहे हो या आपके कुछ इमोशंस अफेक्ट हो रहे हैं। इट इज ए माइंडफुल यूज ऑफ डिजिटल गैजेट, उसमें इंक्लूडिंग मोबाइल है। एक चीज में और, हाँ बताइए बताइए, एक चीज में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो है अराइज हो रही है कि सभी को सोल्यूशन भी मालूम है, सभी को प्रॉब्लम भी मालूम है, इवन देन जो है हम सभी लोग धीरे धीरे इसके अंदर ट्रैप होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना जबरदस्त एआई का कह लीजिए आप, डोपामाइन इफेक्ट कह लीजिए, फोमो इफेक्ट कह लीजिए, कि समाव पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो एक किस्म से धकेली जा रही है इस पूरे के पूरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डिजिटल एडिक्शन के ऊपर। तो हमें सॉल्यूशन भी पता है बट एट द सेम टाइम हमें प्रॉब्लम भी पता है, और इवन देन हम इसमें, आपने बिल्कुल सही कही कि हम कितने भी स्मार्ट बनने की कोशिश करें लेकिन टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना ज्यादा स्मार्ट है। और जैसे आपने कहा एआई तो हमें अपने कहीं ना कहीं अपने ट्रैप में ले ही ले रहा है, लेकिन फिर भी हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इससे अगर पूरी तरह से ना बच पाएं तो एटलीस्ट कंट्रोल्ड रहे। आप दोनों से बहुत संक्षेप में चाहूंगी, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन कैसे किया जाए? देखिए डिजिटल डिटॉक्स कह लीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कह लीजिए, फास्टिंग डिजिटल फास्टिंग कह लीजिए, इसमें बेसिकली जो है जो आपका स्क्रीन टाइम है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। इसमें ये रहता है कि जैसे हम फास्टिंग करते हैं कुछ घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग, उसी तरीके से हम जो है दिन के अंदर ये कहें कि भाई हम 2 घंटे शाम को से 6 to 8 या 8 to 10, मतलब कोई भी हम 2 घंटे मोबाइल जो है वो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, या हम सैटरडे हम संडे को कहें कि भाई हम संडे को आधा दिन मोबाइल यूज नहीं करेंगे। ये अब धीरे धीरे जो है काफी पॉपुलर होता जा रहा है कि लोग अपना मोबाइल बंद कर देते हैं कुछ घंटों के लिए। तो वही मैंने कहा कि अवेयरनेस है, और ये डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी काफी अब पॉपुलर होता जा रहा है। प्लीज ये रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्क्रीन टाइम। निशाली चलते चलते आपकी तरफ से भी टिप्स कि कैसे डिटॉक्सिफाई करें, क्योंकि एक लत है। मैंने देखा है अपने अगल बगल भी लोगों को, 1 सेकंड अगर उनका फोन उनसे दूर रहता है तो उन्हें बेचैनी होने लगती है। तो अगर वो डिटॉक्सिफाई करना चाहें तो क्या टिप्स हैं आपकी तरफ से, कैसे अपने आप पर कंट्रोल करें और थोड़ा सा इससे अपने आप को दूर रखें? देखिए आई डोंट नो बट मैं 2019 में शायद एक जगह पर गई थी जहां एक रिजॉर्ट में गई थी जहां पर आप अपने फोन को सिर्फ अपने रूम में यूज कर सकते थे। आई डोंट नो बट एट दैट टाइम फॉर 8 डेज आई पुट माय फोन इन द लॉकर और मैं सिर्फ दिन में 5 मिनट के लिए अपना फोन यूज करती थी। देखिए ये एक कॉन्शियस चॉइस है, वो कॉन्शियस चॉइस चाहे पेरेंट्स करें या बच्चे करें, चाहे वो टीचर्स करें, चाहे वो प्रिंसिपल्स करें, आपके दोस्त करें, जब भी आप बैठ रहे हो एक रूल आप बना सकते हैं अपने घर पे अपने आसपास के सर्कल में कि मोबाइल का कम यूज करें। जैसा कि सर ने भी बोला है कि लिमिटेड यूज, अगेन ऐसे बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जहां पर सिग्नल्स नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग एक्चुअली में जाते हैं अपने आप को ब्रेक फ्री होने के लिए क्योंकि वो अपने फोन से दूर रहना चाहते हैं। आई डोंट नो बट हम जैसे प्रोफेशनल तो ये बोलते हैं हमारा फोन ही कोई ले ले तो ज्यादा अच्छी बात है।
तो अगेन इट इज अ कॉन्शियस चॉइस। वो कॉन्शियस चॉइस आप शहर में रह के करिए, घर में रहकर करिए, या शहर से बाहर जाके करिए, या ऐसे इंस्टीट्यूशंस को करिए। आई डोंट नो, विपासना एक वन प्लेस है जहां पर अगर आप 8 दिन के लिए जाएं तो वहां आपका सोशल इंटरेक्शन और मोबाइल फोन से इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो लोग रास्ता ढूंढते हैं, जिन्हें करना है वो उस रास्ते पर चलते भी हैं। आई डोंट नो बट आई रिसेंटली फेस न्यूमरस टाइम्स पीपल मैसेज मी व्हेन आई डोंट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, इज एवरीथिंग फाइन विद यू? आई से यस, एवरीथिंग इज फाइन विद मी। तो आजकल सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप ठीक नहीं है अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में कोई गम चल रहा है। तो क्योंकि सोशल मीडिया एक साधन बन गया है, शायद आप जिंदा है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है, और अगर नहीं एक्टिव है तो मतलब आपकी सोच पर्सनल लाइफ में कुछ गड़बड़ है। तो समटाइम्स इट इज अ कॉन्शियस चॉइस, और कितने लोग इस कॉन्शियस चॉइस को चूज करते हैं वो ये बोल रही है, अगेन अगर आपने डीपी नहीं लगाया दैट मींस यू आर नॉट हैप्पी, आप खुश नहीं है। हाँ, सो दैट इज आल्सो देयर। तो देखिए वो अगेन डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं, किस तरह का मैसेज करना चाह रहे हैं। अगेन समटाइम्स आप शायद किसी कोट को, अगेन जब आप सोशल मीडिया पर आप कोई कोट पोस्ट करते हैं तो लोग उसे कोरिलेट कर रहे हैं, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है, तो पीपल स्टार्ट कोरिलेटिंग दैट विच मे बी इट इज जस्ट यू रेड समथिंग एंड यू लाइक दैट, इट इज नॉट कोरिलेटेड एट ऑल विद योर मेंटल स्टेट। तो मुझे लगता है कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की भावनाओं को समझना बंद करें। अगर उन्हें समझना है तो समझने का तरीका है उनके साथ सामने बैठकर बात करें। इवन फोन भी वो माध्यम नहीं है जिससे कनेक्ट आमने सामने बैठकर बनता है। जिस सरल तरीके से आप लोगों ने ये तरीके बताए हैं और ये सारी बातें समझाई हैं, आई एम श्योर हमारे दर्शकों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। आप दोनों जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से पूरी दुनिया को डराने लगा है, और खास करके इस जनरेशन को। एक तरफ जितना ही लोगों को ये एफिशिएंट और कैपेबल बनाता है, दूसरी तरफ एजी, इनस्टेबल और वैलिडेशन सीकिंग बनाते हैं। तो अब शायद वो वक्त आ गया है जब हम एज अ सोसाइटी इसके सही इस्तेमाल पर ध्यान दें। आज के शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।